एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारा एक सी टी पी वाई क्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम आर एस एम एस एस बी जेई एग्जाम के लिए अपने सारे टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रिवाइज कर रहे हैं ठीक है तो आज इसमें थर्ड सेशन है हमारा और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना एनवामेंटल इंजीनियरिंग ठीक है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस दो सेशंस में हमने सॉयल मैकेनिक्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्बिडिटी विच कैन बी सीन विद निकड आई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टर्बिडिटी हमारी होती क्या है तो जैसा कि आप देखते हो कि एक कंटेनर है ठीक है कंटेनर में वाटर है तो वाटर अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो उसमें टर्बिडिटी क्या होगी कम होगी ठीक है और हमारा वो अगर ओपेक दिखेगा तो हमारी उसकी टर्बिडिटी क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है अब आप ये देख लो कि हमारा जो एनटी यू है एंट्यू मतलब कि हमारा नेफ्लोमीटर मेथड, नेफ्लोमीटर मेथड, ठीक है ये एक मेथड है जिससे हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं क्लियर है और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है आपको ये भी याद रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है ये ठीक है चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट हम देखेंगे ये है कि ये किस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ठीक है तो इट वर्क्स ऑन स्कैटरिंग स्कैटरिंग प्रिंसिपल ठीक है तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है ठीक है ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब रखे होते हैं जिसमें एक में हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है दूसरे में हमारा टेस्ट सैंपल होता है और उसके सामने हमारा एक मीटर लगा होता है जो हमारे टेस्ट ट्यूब से 90 डिग्री पे प्लेस्ड होता है ठीक है अब क्या होता है यहाँ से लाइट आती है यहाँ से लाइट आने के बाद वो इस सैंपल से या तो रिफ़्लेक्ट होगी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो पास थ्रू हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से जितनी भी लाइट्स हमारी 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होके हमारे मीटर पे पहुँचती है वो हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है और उस रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी को हम क्या करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमारी टर्बिडिटी कितनी है ठीक है यानी हमारी टर्बिडिटी की वैल्यू पता चलती है हमें क्लियर हो गया मेथड तो फिर इसमें हमारा अब क्या करते हैं कि नेफ्लोमीटर में हम वन मिलीग्राम ऑफ फॉर्मेज इन एन सॉरी वन मिलीग्राम ऑफ ऑर्मेज इन एडेड एन वन लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ठीक है इसके लिए हम जो सैंपल यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि वन मिलीग्राम ऑफ फॉर्मजिन ऐड करते हैं किसमें वन लीटर ऑफ़ डिस्टिल्ड वाटर में ठीक है तो उससे हमारा हम स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं क्लियर अब थर्ड इसमें क्या है और इसी वजह से इसकी यूनिट एन के साथ साथ हम एफ भी बोलते हैं यानी कि फॉर्मज़िन टर्बिडिटी यूनिट क्लियर हो गया चलो आगे देख लेते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि लाइट इज मेजर्ड एट राइट एंगल जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से लाइट आती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री पे जो लाइट्स हमारी जाती हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी बाकी लाइट्स हमारी रिकॉर्ड नहीं होंगी ठीक है तो ये लिख लेते हैं इसको हम लाइट इज मेजर्ड एट राइट एंगल ठीक है क्लियर हो गया यूनिट्स क्या क्या होती हैं अब यूनिट्स में हम इसका एन होता है एन मतलब नेफ्लोमीटर टबिटी यूनिट दूसरा मैंने अभी आपको बताया एफ यानी फॉमेजिन टब्यूडिटी यूनिट तीसरा है हमारा पी, -पी और चौथा है हमारा एम जी पर लीटर ठीक है अब इसकी यूनिट हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है एक्सेप्टेबल लिमिट होती है इसकी हमारी वन एन टी यू और जो रिजेक्शन लिमिट होती है हमारी रिजेक्शन लिमिट जो होती है हमारी वो होती है फाइव एन टी यू ठीक है अब क्वेश्चन वापस से एक बार पढ़ लेते हैं क्या था कि टर्बिडिटी डी विच कैन बी सी विद नेकेड आई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ तो आंसर हमारा क्या होगा फाइव एन टी यू अब फाइव एन टी यू कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ लेटर सपोज कि हमने क्या किया एक ग्लास वाटर लिया ठीक है हमने एक ग्लास वाटर में या तो सॉल्ट या तो शुगर ऐड कर दिया ठीक है अब वन स्पून या तो सॉल्ट ऐड कर दिया या फिर वन स्पून आप शुगर ऐड कर दो ठीक है उसको कम्प्लीटली हम डिज़ोल्व कर देंगे इसमें तो कम्प्लीटली डिजोल्व करने के बाद क्या होगा कि आपको ये वाटर जो है वो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा थोड़ा सा ओपेक दिखेगा या फिर अन मतलब प्लीजेंट नहीं लगेगा आपकी आइस को अगर आपको नहीं पता है कि इसमें सॉल्ट या शुगर ऐड है तो आप क्या इस वाटर को यूज़ करोगे नहीं आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो वाटर है वो क्लीन नहीं है और हाइजीनिक नहीं है ठीक है तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अब नेकेड आई से यानी कि रिजेक्शन यानी कि वन एन टी यू है तो वो हमें इतनी क्लियरली यानी वाटर हमें ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा लेकिन फाइव एन टी यू यानी कि हमें वाटर काफ़ी ओपेक दिखने लगेगा और हमें जो उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी वो हमें क्लियरली नहीं दिखेगी तो फिर हमारा क्या होगा वो रिजेक्शन के लिए आ जाएगा भले ही उसमें जो मिनरल्स ऐड हों वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो लेकिन हमारी आइस को वो प्लीजेंट नहीं लगेगा इस चक्कर में क्या करेंगे हम उसे रिजेक्ट कर देंगे यूज़ करने से तो फिर हमारा जो क्या कहते हैं कि नेकेड आई से हम आ, अपना ऑर्डर टर्बिडिटी जो देख पाते हैं वो हमारी कितनी होती है वो हमारी फाइव एंटी होती है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टोटल एल्किनिटी ऑफ वाटर सैंपल इज थ्री मिलीग्राम पर लीटर एंड द टोटल हार्डनेस अब कितना बोला है टोटल एल्कििटी हमारा बोला है 300 मिलीग्राम एंड द टोटल हार्डनेस इज 100 मिलीग्राम ओके देन द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आर रिस्पेक्टिवली हमें बताना क्या है कार्बोनेट हार्डनेस बताना है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताना है दैट इज़ हमें सी बताना है और एन बताना है चलो ठीक है अब देख लेते हैं पहले कि हार्डनेस और एल्किनिटी में रिलेशन क्या होता है ठीक है हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ठीक है अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं तो एल्किनिटी हमारी किस किस की वजह से आती है तो एल्किनिटी हमारी आती है सी ए टू प्लस एम जी टू प्लस एन ए टू प्लस सी ओ थ्री टू माइनस एच सी ओ थ्री माइनस ठीक है ये हमारा क्या देता है ये हमारा एल्किनिटी देता है ठीक है अब हमारी हार्डनेस किसकी किसकी वजह से आती है हार्डनेस आती है हमारी सी ओ थ्री टू माइनस एच सी ओ थ्री माइनस ठीक है इसकी वजह से हमारी क्या आती है इसकी वजह से हमारी आती है हार्डनेस क्लियर हो गया अब आपको यहाँ पे दो केसेस मिलते हैं अब वो दो केसेस कौन कौन से होते हैं तो पहला केस हो जाएगा हमारा कि अगर सोडियम एल्किटी ठीक है सोडियम एल्कलिनिटी अगर प्रेजेंट है ठीक है क्या है ये प्रेजेंट है अगर तो हमारा क्या होगा तो हमारा एल्कलिनिटी जो होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा ठीक है और टोटल हार्डनेस कितना होता है टोटल हार्डनेस होता है हमारा कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो यहाँ पे क्या होगा टोटल हार्डनेस जो होगा वो हमारा एल्कलिनिटी से ज़्यादा होगा ठीक है क्लियर हो गया पर ये कब होगा ये तभी होगा जब हमारा एने एल्किनिटी जो है वो सॉरी ये क्या है प्रेजेंट नहीं होगा नॉट प्रेजेंट ठीक है मैंने गलती से प्रेजेंट लिख दिया चल हमारा क्या है सोडियम एल्किनेटी जो है वो नॉट प्रेजेंट होगा यानी एबसेंट होगा हमारा तब हमारा क्या होगा एल्किनेटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा और जो टोटल हार्डनेस है वो हमारा कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के समीशन के बराबर होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो टोटल हार्डनेस होगा वो हमारा एल्किनेटी से ज़्यादा होगा क्लियर हो गया ये अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं दूसरी कंडीशन में हमारा क्या होगा दूसरी कंडीशन में हमारा होगा कि जब हमारा सोडियम एल्किनिटी हमारा प्रेजेंट हो ठीक है प्रेजेंट हो तो हमारा क्या होगा यहाँ पे हमारा NCH जीरो एन सी एच ज़ीरो होगा ठीक है यानी कि यानी सोडियम तभी एब्सेंट होता है जब एन सी एच प्रेजेंट होता है ठीक है अब यहाँ पे एन सी एच है इसलिए हमारा सोडियम एल्किनेटी एब्सेंट है पर यहाँ पे अगर सोडियम एल्किनिटी प्रेजेंट है दैट मीन्स कि डेफिनेटली हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होगा वो हमारा एब्सेंट होगा ठीक है ये बात आपको हमेशा याद रखनी है चलो फिर यहाँ पे हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एबसेंट है दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल हार्डनेस होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा हमारा कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा लेकिन अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एल्कलिनिटी जो है वो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस से ज़्यादा है क्यों क्योंकि एल्कलिनिटी हमारी सोडियम की वजह से भी आ रही है बाकी चीज़ों की वजह से तो आ रही है लेकिन सोडियम की वजह से भी आ रही है दैट मीन्स कि अल्कििटी यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस से हमारा ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर आगे देखें तो हमारा जो एल्किटी है वो हमारा टोटल हार्डनेस से भी ज़्यादा होगा क्यूं? क्यों क्योंकि यहाँ पे टोटल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस क्या है बराबर है ठीक है तो उ... इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिलेगा कि जो भी टोटल हार्डनेस और एल्कििनिटी से में जो भी हमारा मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा वो हमारा बराबर होगा किसके कार्बोनेट हार्डनेस के, के. ठीक है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से ओके तो अब क्या पूछ रहा है अब इसमें पूछ रहा है हमारा कि हमारा इसमें कार्बोनेट हार्डनेस कितना है और नॉन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना है तो टोटल तो एल्किटी कितना बोला है हमारा टोटल एल्किटी हमारा पता है हमें कि 300 मिलीग्राम पर लीटर है ठीक है और हमारा क्या बोल रहा है टोटल हार्डनेस टोटल हार्डनेस कितना है 100 मिलीग्राम पर लीटर अब पूछा क्या है इसमें एन ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस और एल्किडी विच एवर इज लेस यानी कि हमारा जो कार्बोनेट हार्डनेस है इन दोनों में से किसके बराबर होगा जो लेस होगा ठीक है यहाँ पे हमने देखा कि जो मिनिमम होगा तो हमारा कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगा टोटल हार्डनेस के जो है हंड्रेड ठीक है तो कार्बोनेट हार्डनेस तो हमें पता चल गया कितना है कार्बोनेट हार्डनेस है हमारा हंड्रेड ठीक है हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर और यहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा हमारा टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस दैट इज 100 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू जीरो अब कौन से ऑप्शन में 100 एंड ज़ीरो आ रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन में तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर हो गया क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्वेंटी मिली ऑफ एंड ऑर्डरस वाटर सैम्पल इज नीडेड एटी मिलीलीटर ऑफ ऑर्डर फे डिस्टिल्ड वाटर यानी कि हमारा ऑर्डर्स वाटर क्या है ट्वेंटी मिली और हमारा डिस्टिल्ड वाटर कितना हमने लिया है वन एटी चलो ठीक है आगे देखते हैं टू प्रोड्यूस टू हंड्रेड एम ओके फिर देन द थ्रेश होल्ड नंबर यानी कि टी ओ एन ऑफ वाटर सैम्पल हमें कैलकुलेट करना है ठीक है यहाँ पर बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर अब सबसे पहले देख लेते हैं कि थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर हमारा किसके बराबर होता है हमारे डाइल्यूशन रेशियो के बराबर ठीक है अब डाइल्यूशन रेशियो क्या होता है हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर ठीक है अपॉन यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ पे लगा देते हैं अपॉन क्या है हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड्स ठीक है जिसको हम कैसे लिख लेते हैं ए प्लस बी अपॉन ए ठीक है A A, अब ए क्या है हमारा तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ यानी किस में होते हैं एम में होते हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हमारा एम में है तो ये हमेशा एम में ही रहता है तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर सैम्पल या फिर आप सिंपल सा ये भी याद रख सकते हो कि ये हमारा टेस्ट सैम्पल होता है ठीक है और बी हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर या फिर आप सिंपल सा लिख सकते हो प्योर वाटर होता है हमारा ठीक है या फिर डिस्टिल्ड वाटर जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है क्लियर हो गया ये भी एम में ही होता है ठीक है तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया अब हमें क्या करनी है सबसे वैल्यू रखनी है यानी कि जो हमारा सैंपल है उसका कितना है तो ट्वेंटी एम हमारा सैंपल है ठीक है डिस्टल वाटर हमने कितना ऐड किया तो डिस्टल वाटर हमने ऐड किया है ठीक है उसके बाद क्या है अपॉन अगेन ए अपॉन वन ट्वेंटी तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा टेन टी ओ एन ठीक है तो टेन टी ओ एन आएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका तो आंसर हो गया लेकिन अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट कितनी होती है इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट होती है हमारी वन टी ओ एन और जो रिजेक्शन लिमिट होती है वो होती है हमारी टेन टी ओ एन ठीक है टेन टी ओ एन है तो इसको हम लोग रिजेक्शन लिमिट होती है दैट मीन्स कि टेन टी ओ एन को ले सकते हैं लेकिन अगर ये टेन का इलेवन आता तो हम इसको क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं a सप्लाई a वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप is टू बी designed फॉर ठीक है अब ये किसके लिए यानी कि हमारा जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा किस बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं ठीक है और किसके लिए एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप के लिए उसने कंडीशन क्या क्या दे रखी है उसने पूछा है कि वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन किस बेसिस पे करते हैं और किसके लिए एवरेजली पॉपुलेटेड टाउन के लिए क्लियर हो गया तो हम क्या करते हैं हमारा जो होता है वाटर सप्लाई वो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए या तो डिज़ाइन होता है और ठीक है यानी कि ये हमारा कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन कर देंगे नहीं जब भी अगर हम मैक्सिमम डेली डिमांड को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें फायर डिमांड को कंसिडर करना ही पड़ेगा क्लियर हो गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारा ये मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट डिमांड भी बोलते हैं ठीक है तो या तो हमारे को इंसिडेंट डिमांड के लिए डिज़ाइन होगा और अगर इसके लिए नहीं कर रहे हैं तो हम किसके लिए करेंगे डिज़ाइन अपने मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए ठीक है जो भी हमारा पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया ठीक है जो भी हमारा यहाँ पे क्या मेंशन है हायर होगा यानी इन दोनों में हमारा जो भी ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्या डिज़ाइन करेंगे उसके लिए हम अपना वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करेंगे क्लियर हो गई ये चीज अब यहां पे कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है जैसे कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है हमारा 1.8 पॉइंट एट इंटू वी बाई थ्री सिक्सटी को हम क्या बोलेंगे ये वैल्यू जो हमारी होती है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट ठीक है वॉल्यूम हमारा क्या है ये वी क्या है हमारा वी जो है वो हमारा एनुअल ड्राफ्ट है क्लियर हो गया चलो आगे देख लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड किसके बराबर होता है वो होता है हमारा 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड ठीक है और मैक्सिमम आवरली डिमांड हमेशा हम मैक्सिमम डे के लिए निकालेंगे ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा हम मैक्सिमम डे के लिए निकालेंगे किसको मैक्सिमम आवरली डिमांड को क्लियर हो गया चलो अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि फायर डिमांड फायर डिमांड के हमारे पांच मेथड होते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं या तो सबसे पहला कंडीशन क्या है या तो हम इसको वन लीटर फिक्स कर देते हैं और आई एस कोड के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा आई एस कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो ये रहेगा वो रहेगा हंड्रेड अंडर रूट पी ठीक है और पी या क्या है पी पॉपुलेशन है जिसको हमें मेंशन करना है किसमें थाउजेंड में, 1000 में. क्लियर हो गया दूसरा हम देख लेते हैं कि कचलिंग मेथड होता है कचलिंग मेथड से हम कैसे देखेंगे तो इस कचलिंग मेथड होता है हमारा थ्री वन एट टू अंडर उटर पर मिनट ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये सेकेंड और आवर में नहीं है ये मिनट में आएगा ठीक है और पी एज यूजल हमारा थाउजेंड में रहेगा हमें मैंशन करना है ठीक है तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो फ्रीमैंस मेथड होता है दैट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू वन वन थ्री सिक्स P बाई टेन प्लस टेन ठीक है ये भी हमारा लीटर पर मिनट में आएगा अगेन P विल बी इन थाउजेंड फिर हमारा फोर्थ जो है वो है हमारा राइटर्स मेथड राइटर्स मेथड तो राइटर्स मेथड में क्या होगा हमारा Q इज इक्वल टू फोर सिक्स थ्री सेवन अंडर रूट P ब्रैकेट में वन माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन अंडर रूट पी ब्रैकेट क्लोज अगेन इन लीटर पर मिनट ठीक है यहाँ पे भी पी हमारा क्या होगा थाउजेंड होगा यानी पॉपुलेशन आपको हर जगह हमेशा फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए क्या करनी है थाउजेंड में मैंशन करनी है क्लियर हो गया ये चीज़ तो फायर डिमांड भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर हो गया हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर हो गया और हमारा मैक्सीम आवर् डिमांड फॉर द मैक्सिमम डे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने बता दिया क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इफ़ द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ग्रेटर दैन इट्स एल्किनिटी अभी मैंने पीछे बताया ये कंडीशन आपको कि टोटल हार्डनेस हमारी एल्किनिटी से क्या होगा ज़्यादा होगा तो ठीक है देन द कार्बोनेट हार्डनेस विल भी चलो आप फटाफट बताओ मुझे कि अगर हमारा टोटल हार्डनेस जो है वो अल्किनिटी से ज़्यादा है रहेगा तो हमारा जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो कितना होगा यानी कि इस कंडीशन में हमारा टोटल हार्डनेस क्या होगा कार्बोनेट हार्डनेस प्लस हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी कि कार्बोनेट हार्डनेस हमारा क्या होगा टोटल हार्डनेस माइनस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी अब क्या होगा यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू अब कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू क्या होगा एक और कंडीशन मैंने बताई थी इसके साथ आपको या ध्यान रखना आप ये कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है एल्किनीटी के बराबर होगा ठीक है ये भी कंडीशन बताई थी यानी कि अगर हमारा टोटल हार्डनेस जो है वो अल्किनिटी से ज़्यादा है तो हमारी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है टोटल हार्डनेस विल बी इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस को क्या क्या हो सकते हैं या तो वो टोटल हार्डनेस माइनस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा या फिर वो अल्किनीटी के इक्वल होगा क्लियर हो गया अब यहाँ पे क्या है टोटल एल्किटी यानी डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट चॉइस है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट चलते हैं इफ डिजोल्व ऑक्सीजन टेस्ट इफ नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ठीक है इसने क्या बोला पहले नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ठीक है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है द मैगनस आयन्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड ठीक है मैगनस आयन हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ एम एन ओ एच होल्ड टू ठीक है ये टू है एक्चुअली इट्स कलर विल बी ठीक है अब देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन का टेस्ट होता है वो उस वो जिससे हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं विंकलर्स विंकलर्स मेथड ठीक है विंकलर मेथड होता है हमारा जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं अपना डिजोल्व ऑक्सीजन हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है अब सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है तो कौन सी पीपीटी फॉर्म होगी तो हमारी ब्राउन कलर पीपीटी फॉर्म होगी ठीक है और सेकेंड केस में अगर ऑक्सीजन एबसेंट है ठीक है या फिर नॉट प्रेजेंट है तो हमारी वाइट कलर की पीपीटी फॉर्म होगी अब इसने क्या पूछा है इफ़ नो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन हमारा एबसेंट है तो हमारी कौन से कलर की पीपीटी फॉर्म होगी वाइट दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स अटैच ठीक है फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अटैच्ड और रेस्टिंग एट द बॉटम यानी कि जो हमारे फ्रेश वाटर के बेस पे यानि कि जहाँ पे हमारा बेस होता होगा वो फ्रेश वाटर का वहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे तो आंसर होगा हमारा बेंथोस ठीक है चलो इसको डिटेल में देख लेते हैं अब यहाँ पे देखो आप इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि बेंथोस कहाँ प्रेजेंट है बेंथोस हमारे प्रेजेंट है बिल्कुल बेड पे ठीक है ये जो भी हमारा लेक वगैरह है लेक के हमारे कहाँ बिल्कुल बेड पे प्रेजेंट है आप नेक्टोन को देख सकते हो तो नेक्टोन हमारा कहाँ है बेड से जस्ट ऊपर वाले एरिया में क्लियर फिर प्लैंकटोन प्लैंकटोन उससे ऊपर वाले एरिया में होते हैं और सबसे ऊपर यानी कि हमारे सरफेस पे कौन मिलते हैं हमें न्यूजटॉन क्लियर हो गया आपको ये चीज़ें क्लियर दिख रही है प्लस यहाँ पे ये सारी डेफिनेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो आप खुद से ईजली रीड कर सकते हो और आप याद भी रख सकते हो चाहो तो इसका स्क्रीन ले लेना ठीक है वो आपको हेल्प करेगा आगे के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक रेन हैविंग पी एच फाइव पॉइंट सिक्स विल बी इन कंपेरिजन टू अ न्यूट्रल रेन हैविंग पी एच सेवन ठीक है यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक यानी कि कितना ज़्यादा एसिडिक होगा क्या हमारा रेन जिसका पी एच फाइव पॉइंट सिक्स है इन कंपेरिजन टू द न्यूट्रल रेन जिसका पी हमारा सेवन है चलो ठीक है इसको हम देख लेते हैं तो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग बेस टेन ब्रैकेट में H+ प्लस तो पी एच हमारा पहले केस में क्या है? गिवन है जहाँ पे एसिडिक रेन हो रही है वहाँ पे है हमारा 5.6। इसको हम लोग देख लेते हैं H+ प्लस आयस क्लियर हो गया अब H प्लस आयस हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना होगा हमारा 10 टू दावर माइनस फाइव पॉइंट सिक्स मोल्स पर लीटर यूनिट्स आपको हमेशा ध्यान रखनी है अब न्यूट्रल रेन के लिए यानी ये तो फर्स्ट केस के लिए हो गया अब हम सेकेंड केस के लिए यानी कि अपने न्यूट्रल रेन के लिए देख लेते हैं जिसका पी हमारा कितना गिवन है सेवन तो सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा सेवन इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टेन एच प्लस ठीक है यहाँ पे क्या होगा एच प्लस आयस जो है वो हमारा क्या होगा टेन टू दावर माइनस सेवन अब इसने कंपैरिजन बोला है दैट मीन्स कि हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें करना है रेशियो ठीक है रेशियो दैट इज कंपैरिजन विच इज इक्वल टू फर्स्ट केस अपॉन सेकेंड केस ठीक है तो दोनों का हम लोग मेंशन कर लेते हैं टेन टू द पावर माइनस फाइव पॉइंट सिक्स अपऑन टेन टू द पावर माइनस सेवन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ट्वेंटी फाइव टाइम्स ठीक है यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर हो गया चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द रिडक्शन पर कैपिटल वाटर कंजप्शन ठीक है अब जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमें हमारे डेली यूज़ के लिए हमें ट्रीटेड वाटर सप्लाई करती है ठीक है अब उस वाटर का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है और अगर हम कंज्यूम कर भी रहे हैं तो हम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या ज़रूरत से कम कंज्यूम कर रहे हैं ये सारी चीज़ों कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ठीक है अब जैसे आप देखते होगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्री का पानी मिलता है जैसे कुछ जगह पे आप देखोगे कि वहाँ पे हमारे मीटर्स नहीं लगे होते हैं तो वहाँ पे मीटर्स नहीं लगे हैं दैट मीन्स कि उनके पास वाटर का बिल नहीं आ रहा है अब वाटर का बिल नहीं आ रहा है और कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो आपको पता है फ्री की चीज़ें तो हमेशा ज़्यादा ही यूज़ होती हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होती ठीक है तो हमारा क्या होगा कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर causes रिडक्शन इन पर कैपिटल यानी अगर हम मीटर लगा दें हर जगह तो क्या होगा वो हमारा मतलब वाटर कंजप्शन जो है वो हमारा एडिकुएट हो जाएगा यानी yani, जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही यूज़ करेंगे अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उन्हें ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा क्लियर हो गया तो इस चीज़ पर कौन रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है तो हमारा वो मीटरिंग सिस्टम है जो इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है बाकी तीनों चीज़ तो हमारा ये क्या करती है ये हमारा डायरेक्टली यानी इनक्रीज़ ठीक है गर्मी ज़्यादा है दैट मीन्स कि वाटर का कंजप्शन बढ़ जाएगा अगर पानी का क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छा वाटर सप्लाई कर रही है तो हमें आ रहा क्या होगा कंजप्शन फिर बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि हमें तो एक दिन पुराना पानी भी फिर ख़राब दिखने लगेगा फिर हम क्या चाहेंगे कि हमें डेली फ्रेश वाटर चाहिए ठीक है फिर उसके बाद क्या है कि मॉडर्न लिविंग अब मॉडर्न लिविंग के लिए भी लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे गार्डनिंग हो रही है और ये सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अलग वाटर प्रोवाइड करती है यानी कि जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन हम क्या करते हैं हम अपने जो हाई क्वालिटी वाटर आता है जो बेसिकली हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए होता है तो उसे भी हम कहाँ यूज करने लगते हैं उसे भी हम अपने गार्डनिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं दैट मीन्स कि वो हमारे मॉडर्न लिविंग में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्या करती है इनक्रीज करती है किसको वाटर कंजप्शन को ठीक है और सिर्फ इकलौता ये मीटरिंग सिस्टम है हमारा जो हमारा रिड्यूस करता है रिड्यूस वाटर कंजप्शन और रिड्यूस भी नहीं कह सकते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट करता है काइंड ऑफ क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द एल्किनिटी ऑफ वाटर डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्ट कैल्शियम का कैल्शियम बाई कार्बोनेट फ्लोराइड ऑफ सोडियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अब इसने क्या पूछा है आप ये चीज़ कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे। यहाँ पे आपको कैल्शियम बाई भी दिख रहा है यहाँ पे आपको फ्लोराइड ऑफ सोडियम भी दिख रहा है यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है और यहाँ पे सिल्ट भी दिख रहा है ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है उसने क्या पूछा है आप अच्छे से देखो एल्किनिटी ऑफ वाटर डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्किनिटी इसके वजह से होती है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई जा रहा है और पानी में हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट या फिर फ्लोराइड ऑफ सोडियम या फिर सिल्ट जबर मतलब सिल्टो तो प्रजेंट रहता है बट ये दोनों चीज़ें जो डायरेक्टली एल्किनिटी दिखाती है तो वो हर चीज़ें हमारी ऐड करके तो आता नहीं है तो वो कैसे डेवलप होती है तो बेसिकली वो डेवलप होती है हमारी कार्बन डाई ऑक्साइड से ठीक है यानी कार्बन डाई ऑक्साइड के प्रजेंस की वजह से हमारा क्या होता है कि हमारी एल्किनिटी जो है वो डेवलप होती है अब आप देखोगे कैसे देखो ये हमारा सी ओ टू है ठीक है तो सी ओ टू हमारा किस में कार्बोनेट होता है यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है अब रिवर्सिबल रिएक्शन हम देखेंगे तो वो होता है हमारा एच टू सी ओ थ्री में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है फिर बाई कार्बोनेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है अब हमारा बाई कार्बोनेट जो है यानी एच टू सी ओ थ्री हमारा क्या है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हमारा ब्रेक होता है किसमें H+ प्लस आयन में और एच सी ओ थ्री माइनस दैट इज हमारा बाइकार्बोनेट ठीक है हमारा ये बाइकार्बोनेट में ब्रेक होता रहता है प्लस अब ये आया है तो फिर हमारा कार्बोनेट भी फॉर्म होगा ही होगा ठीक है एक और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें हमारा H+ प्लस आयन वापस से टूटेगा और हमारा क्या फॉर्म होगा कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट भी फॉर्म होगा प्लस अब वाटर प्रेजेंट है और हमारा कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है तो वापस से हमारा क्या होगा ये हमारा बायकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल का भी फॉर्मेशन वहाँ पे होगा दैट इज की सीओ थ्री ये चारों रिएक्शन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चारों के चारों होंगे ही होंगे लेकिन जो भी सारे पॉसिबल रिएक्शंस हैं वो यही चारों हैं ठीक है थीके? ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये दोनों ही हो रहा हो बाकी नहीं हो रहे हो बाकी या फिर कम अमाउंट में हो रहे हो या दोनों ज्यादा अमाउंट में हो रहे हो ठीक है ये सारी चीजें पॉसिबल है ठीक है एस सी ओ थ्री माइनस प्लस ओ एच माइनस दैट इज हमारा हाइड्रोक्सिल क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें दिख गई कि हमारा एल्किनेटी कैसे प्रेजेंट होगा अगर हमारा सीओ टू प्रेजेंट है अब सीओ टू कैसे आ रहा है तो सीओ टू हमारा कहां से आ रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर अब एटमोसफेयर में कहाँ से आ रहा है एटमॉस्फेयर में आ रहा है माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ निक मैटर क्लियर हो गया आपको पूरा चेंज कि ठीक है कि वॉटर में हमारा जो एल्केडिया वो कैसे बन रही है यहाँ तक क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन थ्री कंजीक्यूटिव इयर्स आर फाइव थाउजेंड सेवन थाउजेंड एंड एटी फोर हंड्रेड रिस्पेक्टिवली पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन फोर्थ कंजीक्यूटिव ईयर ठीक है फिर आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द जोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ठीक है हमें दे रखा है तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ठीक है फर्स्ट ईयर में हमें कितनी दे रखी है पॉपुलेशन हमें दे रखी है फाइव थाउजेंड सेकेंड में कितनी दे रखी है सेवन थाउजेंड थर्ड में कितनी दे रखी है एटी फोर हंड्रेड अब यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन देखते हैं यानी कि हमारा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है टू हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड ठीक है यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारा टू थाउजेंड अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि हमारा सेकेंड कंजीक्यूटिव ईयर से थर्ड कंजिव ईयर में हमारा कितना आया है फोर्टीन हंड्रेड का इंक्रीमेंट आया है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकाल लेंगे पहले इसके लिए ठीक है तो फिर अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होगा हमारा 2000 जो हमारा इंक्रीमेंट आया है प्लस बेस पॉपुलेशन हमारा कितना था 5000 थाउजेंड इंटू तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 परसेंट क्लियर हो गया सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि यह इसके लिए भी ये सेम कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन 1400 के बाद हमारा बेस कौन सा होगा पॉपुलेशन 7000 ठीक है सेवन थाउजेंड होगा आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना होगा यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट क्लियर हो गया चलो हमें पता चल गया कि फर्स्ट टाइम में हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ फोर्टी परसेंट और हमारा सेकेंड टाइम में कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारा ट्वेंटी परसेंट क्लियर हो गया अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी कांस्टेंट ग्रोथ रेट क्या रही ठीक है मेथड हमें यहाँ पे बता रखा है कौन सा जोमेट्रिकल तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट हम कैसे निकालेंगे आर इज इक्वल टू फोर्टी प्लस ट्वेंटी अपॉन टू इज इक्वल टू थर्टी परसेंट ठीक है यहाँ पे हमने रेट कैलकुलेट कर लिया अब हमें क्या कैलकुलेट करना है फोर्थ ईयर में ठीक है फोर्थ ईयर की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है यानी पी फोर विच विल बी इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर एन एन क्या यहां 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 है यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ पे कंजीक्यूटिव ईयर है दैट मीन्स कि डिफरेंस वन ईयर का है यहाँ से यहाँ पे भी कंजीक्यूटिव ईयर है दैट मीन्स डिफरेंस वन का है थर्ड से फोर्थ में भी कंजिक्यूटिव ईयर है यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है फोर्थ कंजीक्यूटिव ईयर तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे भी वन होगी ठीक है जो हमारा बेस पॉपुलेशन है वो हमारा क्या लेंगे हम जो थर्ड ईयर में था हमारा यानी थर्ड कंजीक्यूटिव ईयर में था तो वो हो जाएगा हमारा 8400 ठीक है फिर यहाँ पे होगा वन प्लस आर की वैल्यू हमने क्या निकाली 30 परसेंट हंड्रेड से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 0.30 ठीक है और हमारा एन की वैल्यू कितनी है हमारी वन अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8400 फोर हंड्रेड इन वन पॉइंट थ्री ज़ीरो विच विल बी इक्वल टू वन ज़ीरो नाइन टू ज़ीरो ठीक है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये हमारा सी ऑप्शन से तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ठीक है यानी फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर में अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारी टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं टू सैंपल्स ऑफ वाटर ए एंड बी हैव पीएच वैल्यू ऑफ फोर पॉइंट फोर एंड सिक्स पॉइंट फोर यानी दो वाटर के सैंपल है ए और बी ए का पीएच कितना है फोर पॉइंट फोर बी का पीएच कितना है हमारा सिक्स पॉइंट फोर ठीक है फिर हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक सैंपल ए इज दैन सैंपल बी ठीक है यानी कितने टाइम्स हमारा अगेन यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है रेशियो कौन से सैंपल का ए टू बी ठीक है यहाँ पे हमें भी हमने देखा ही था पी का क्या होता है फॉर्मूला माइनस लॉग बेस टेन एच प्लस आइन ठीक है तो सबसे पहले सैंपल ए के लिए हम निकाल लेते हैं एच प्लस आयन को सैम्पल ए के लिए हमारा कितना हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस फोर पॉइंट फोर सिमिलरली सिमिलरली हमारा एच प्लस आयन बी के लिए कितना हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस सिक्स पॉइंट फोर ठीक है क्लियर हो गया हमारा तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा रेशियो देख लेते हैं रेशियो विच इज़ इक्वल टू एच प्लस आयन हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक सैम्पल ए अब सैंपल ए पहले बोला है दैट मीन्स सैम्पल ए ऊपर लिखेंगे हम फिर उसके बाद क्या बोला है हमारा सैंपल बी सैंपल बी नीचे लिखेंगे वैल्यूज़ क्या क्या आई थी हमारे पास टेन टू द पावर माइनस फोर पॉइंट फोर अपॉन टेन टू द पावर माइनस सिक्स पॉइंट फोर विच इज़ इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा हंड्रेड टाइम्स ठीक है यानी कि हमारा जो एच प्लस आयन है ए में वो हमारा हंड्रेड टाइम्स है किसके एच प्लस आयन जो है वो हमारे बी के क्लियर हो गया ये चीज़ दैट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू सैम्पल्स ओके फाइन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस ओके चलिए तो इसको हम स्किप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है अब फोर्टीन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन लेवल ओवर फाइव टिकट्स यानी पॉपुलेशन लेवल हम ओवर फाइव टिकट्स हमें यहाँ पे दे रखा है एक स्मॉल टाउन का ठीक है तो फिर यानी 1960 में पॉपुलेशन हमारी कितनी थी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी में टू लाख एटी थाउजेंड फिर 80 में थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड नाइन्टी में फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड और टू में हमारा फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड क्लियर है तो अब पूछ क्या रहा है देख लेते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन ईयर 2020 में पूछ रहा है ओके एस्टिमेटेड बाय अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यहाँ पे आपको मेथड का नाम पहले से ही बता रखा है तो आपको कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या यूज़ करना है हमें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज़ करना है ठीक है अब वो कितना होगा ठीक है चलो सॉल्व करते हैं फिर हम अब यहाँ पे क्या है ईयर मेंशन कर लेते हैं पहले हम तो ईयर हमारा कौन कौन सा है 1960 सिक्सटी दूसरा है हमारा 1970 सेवेंटी तीसरा हमारा 1980 एटी फिर हमारा है 1990 फिर हमारा है 2000 क्लियर हो गया अब यहाँ पे क्या है टेन टेन ईयर्स के गैप है ओके okay. तो इसकी पॉपुलेशन कितनी थी इसकी थी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्लियर हो गया दूसरे की कितनी है टू लाख एटी थाउजेंड तीसरे की है हमारी थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड नेक्स्ट फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट है हमारा फोर लाख नाइन्टी थाउजेंड क्लियर हो गया अब इनमें इंक्रीज कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट है थर्टी थाउजेंड का यहाँ पे इंक्रीमेंट है सिक्सटी थाउजेंड का यहाँ पे इंक्रीमेंट है एटी थाउजेंड का और यहाँ पे इंक्रीमेंट है हमारा सेवेंटी थाउजेंड का ये चीज़ हमें दिख गई अब पहले हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे पूछा कौन से ईयर में है ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है और लास्ट कौन सा ईयर पता था हमें 2000 अपॉन 10 ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे कैप कितने कितने का है वन ईयर का नहीं है टेन टेन ईयर्स का है इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे टेन से तो हमारे ये आ जाएगा टू एन की वैल्यू हमें पता चल गई अब यहाँ पे हम एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेंगे तो थर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड प्लस सेवेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर क्लियर अब इसको ऐड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल टू थाउजेंड सॉरी टू लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर विच इज़ इक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड क्लियर हो गया चलो आगे देखते हैं आप 2020 में पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी वो होगी पी नॉट प्लस एन एक्स बार क्लियर हो गया तो कितना होगा हमारा फोर लाख नाइन्टी थाउजेंड प्लस टू इंटू सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब इसको हम टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सिक्स लाख टेन थाउजेंड यानी कि 2020 में हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी सिक्स लाख टेन थाउजेंड क्लियर हो गया चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है सी ऑप्शन में हमारा आ रहा है सिक्स लाख टेन थाउजेंड जो हमारा आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अ फिल्टर यूनिट हैज़ डायमेंशन ऑफ फोर पॉइंट फाइव मीटर इन टू नाइन मीटर आफ्टर फिल्टरिंग टेन थाउजेंड मीटर क्यूब पर डे इन ट्वेंटी फोर आवर्स द फिल्टर इज़ दॉस्ट एट रेट ऑफ टेन लीटर्स मीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड फॉर फिफ्टीन मिनट्स ठीक है बैकवॉश का रेट कितना दे रखा है टेन लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड फॉर फिफ्टीन मिनट्स ठीक है अब आगे देख लेते हैं द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर्स ठीक है हमें किस क्या निकालना है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकालना है किस में मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर्स में क्लियर हो गया चलो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है एरिया ऑफ फिल्टर एरिया ऑफ फिल्टर कितना होगा फोर पॉइंट फाइव मीटर हमें दे रखा है इनटू टू नाइन मीटर ठीक है आगे बढ़ते हैं एरिया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आएगा 40.5 पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दे रखा है फिल्टर क्वांटिटी एन ट्वेंटी फोर आर्स कितना दे रखा है हमें 10,000 मीटर क्यूब पर डे ठीक है दो चीज़ हो गई एरिया ऑफ द फिल्टर हो गया और दूसरा हमारा फिल्टर क्वांटिटी हमें दे रखा है जो एक दिन में फिल्टर होता है क्लियर हो गया अब रेट देख लेते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाटर फिल्टर्ड अपॉन एरिया ऑफ फिल्टर इंटू ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये कितना हुआ हमारा टेन थाउजेंड इंटू थाउजेंड अपॉन एरिया ऑफ फ़िल्टर कितना था हमारा फोर्टी पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फोर ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा कैलकुलेट करके कितना आएगा टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी एट लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर ये तो हमारा लीटर में आया है लेकिन हमें पूछा किस में मीटर क्यूब में ठीक है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी टेन पॉइंट टू नाइन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर ठीक है हमें वैल्यू मिल गई तो कितना आ रहा है हमारा टेन यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज फॉर पोटेशियम पर किस लिए यूज करता है रिड्यूसिंग हार्डनेस रिड्यूसिंग एसिडिटी इंप्रूविंग कलर या फिर डी क्लोर क्लोरनाइजेशन ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा डी क्लोरनाइजेशन ठीक है अब देख लेते हैं क्लोरनाइजेशन क्या हो गया क्लोरनाइजेशन हम कैसे कैसे रिमूव करते हैं या तो हम एयरेशन से रिमूव करते हैं या फिर हम केमिकल्स का यूज करते हैं यूजिंग केमिकल्स अब केमिकल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं तो नंबर वन है हमारा सोडियम थायोसल्फेट दूसरा कौन सा हो गया सोडियम बाई सल्फेट तीसरा कौन सा हो गया सोडियम सल्फेट चौथा हो गया एक्टिवेटेड कार्बन पांचवा हो गया पोटेशियम। पर मैग्नेट या फिर हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड इन लिक्विड फॉर्म एन लिक्विड फॉर्म ठीक है हम डीक्लोरनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं किसको यूज़ करते हैं पोटेशियम पर को और भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो केमिकल्स हम यूज करते हैं या फिर डिक्लोरनाइजेशन हम कैसे करते हैं ए के थ्रू क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर्स इज एनकाउंटर्ड वेन ठीक है अब क्या बोल रहे हैं कि एयर बाइंडिंग हमारा कब कब हो सकता है किसमें रैपिड सैंड फिल्टर में अब देख लेते हैं कि देयर इज एक्सेसिव नेगेटिव हेड ओके दिस इज पॉसिबल द वॉटर इज सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड एरेशन नहीं द रॉ वॉटर कंटें डिजॉल्व गैसेस नहीं द फिल्टर बेड कंप्राइज लार्जली ऑफ कोर्स सैन नहीं तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए चलो अब इसको देख लेते हैं कि हमारा एयर बाइंडिंग का क्या सीन है ठीक है अब एयर बाइंडिंग ये मान लो कि आपका रैपिड सैंड फिल्टर है ये है आपका मीडियम ठीक है यहाँ पे आपका वाटर ये जो हेड होता है ये हमारा होता है 15 टू 30 सेंटीमीटर ठीक है अगर ये 15 टू 30 सेंटीमीटर हमारा मेंटेन है तब तो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर ये 15 टू 30 सेंटीमीटर से अब जाता है यानी ज्यादा होता है इसका हेड तो फिर हमारा क्या हमें पता चलता है कि हमारी एयर बाइंडिंग के इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं अब इसमें क्या होता है एयर बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आ रहे हैं वाटर फिल्टर हो रहा है वाटर फिल्टर हो रहा है यानी कि यहाँ पर जो गैप्स प्रजेंट है हमारे मीडियम के बीच में उसमें सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो फिल हो चुकी है फिल होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक काफ़ी मोटी सी लेयर बन जाती है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एलगी का फॉर्मेशन भी होने लगता है ठीक है अब एलगी का फॉर्मेशन हो गया तो एलगी क्या है काइंड ऑफ अ प्लांट है ठीक है ये ऊपर से ओपन होता है वाटर मिल रहा है सनलाइट मिल रही है सारी चीज़ें मिल रही है सारी कंडीशंस मिल रही है तो ये क्या होगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या इजेक्ट होता है हमारा सी ओ टू इजेक्ट होता है अब सी ओ टू इजेक्ट होगा तो यानी गैस इजेक्ट होगा अब गैस क्या करेगा अपने साथ ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उसको लेके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा तो काइंड kind ऑफ of अगर क्या देखोगे आप कि यहाँ पे जो हमारा मीडियम है यानी जो फिल्टर मीडियम है वो क्या होगा इरोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो इरोड होने की वजह से क्या होगा कि अब जो क्वालिटी ऑफ वाटर नीचे पहुँच रहा है उसकी क्वालिटी जो होगी वो डिज़ायर्ड क्वालिटी से ज़्यादा खराब क्वालिटी होगी ठीक है तो इस चक्कर में क्या है अब इसको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं तो हमें क्या करना है कि ये जो हेड है इसको बढ़ने नहीं देना है ठीक है यानी कि हमारे इस हेड को हमें बढ़ने नहीं देना है फिर दूसरा कौन सा है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ़ वाटर हमें ट्राई करना है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए ठीक है इंक्रीज नहीं होना चाहिए और फिर हमारा क्या है कि एल्गी का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए अगर एल्गी का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारे वाटर में गैसेस प्रेजेंट हो जाएंगे गैसेस की वजह से क्या होगा हमारा जो मीडियम बेड है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अपने साथ मीडियम पार्टिकल्स को लेके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोटोलिया तो ऑर्थो टोलीडीन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रेसिडुअल क्लोरीन बी ओडी या फिर टोज ऑफ कॉग्यूलेंट तो हमारा ये किसके लिए होता है रेसिडुअल क्लोरीन के लिए ये टेस्ट होता है और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमारे रेसीडुअल क्लोरीन के लिए होते हैं तो अदर टेस्ट भी देख लेते हैं अदर टेस्ट फॉर रेसीड्यूअल क्लोरीन क्या होता है अब पहला है डी टेस्ट दूसरा है क्लोरोटेक्स टेस्ट और तीसरा और है स्टार्च आयो डाइट टेस्ट ठीक है क्लियर हो गया यानी हमारे रेसिडुअल क्लोरीन के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं ऑर्थो ऑर्थोडोलिडीन डो, टेस्ट डीपीडी टेस्ट क्लोरोटेक्स टेस्ट और स्टार्च आयोडाइट टेस्ट क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय अब जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि हार्डनेस को रिमूव करने के कौन कौन से दो मेथड्स हैं यानी कौन सा मेथड है जो हमारे हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर से तो हमारा कौन सा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड अब आयन एक्सचेंज मेथड के अलावा एक और जिओलाइट मेथड है जो हमारा क्या काम करता है जो हमारा जीरो हार्डनेस को अचीव करने में हेल्प करता है ठीक है जो हमारा ज़ीरो हार्डनेस को अचीव करने में हेल्प करता है यानी कि जीरो हार्डनेस के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं एक तो जियोलाइट मेथड होता है दूसरा हमारा आयन एक्सचेंज मेथड होता है क्लियर हो गया चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब क्या है यहाँ पे फॉलोइंग आयोनाइजेशन इक्वेशन इज एच ओ सी एल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि एच प्लस आयन में टूट रहा है और हमारा ओ सी एल आयन में टूट रहा है ठीक है एट ट्वेंटी डिग्री इफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एवब इक्वेशन इज टेन टू द पावर माइनस सेवन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज टेन टू द पावर माइनस एट दिन परसेंटेज ऑफ एच ओ सी एल वुड बी अब उसने क्या क्या बोला है उसने बोला है कि हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट है यानी कि के की वैल्यू के की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है टेन टू दिपावर माइनस सेवन और हमारे एच प्लस की जो वैल्यू है यानी एच प्लस आयन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है टेन टू दिपावर माइनस एट और पूछा क्या है हमें पूछ रहा है वो कि परसेंटेज ऑफ एच ओ सी एल परसेंटेज ऑफ एच ओ सी एल क्या होगा चलो सॉल्व करते हैं इसको अब यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H प्लस ओ सी एल माइनस अपॉन एच ठीक है यहाँ पे अब इसको देखेंगे तो हमारा क्या होगा ओ सी एल माइनस अपॉन एच ओ सी एल इज इक्वल टू के अपॉन एच प्लस आई अब ये दोनों हमें गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा टेन डूथ माइनस सेवन अपॉन टेन द माइनस एट विच इज विल बी इक्वल टू टेन चलो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई अब हमें क्या कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एच ओ सी एल विच इज इक्वल टू एच ओ सी एल अपॉन एच ओ सी एल प्लस ओ सी एल माइनस इनटू हंड्रेड क्यों क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज पूछा है ठीक है अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ओ सी एल माइनस एच ओ सी एल ठीक है इन टू हंड्रेड हो गया अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट की है यहाँ से हमें पता है कि इसकी वैल्यू आ गई है टेन यानी वन अपॉन वन प्लस टेन इंटू हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू वन अपॉन एलेवन इंटू हंड्रेड विच इज़ नियरली इक्वल टू नाइन परसेंट ठीक है तो हमारा कितना आ जाएगा नाइन परसेंट आएगा दैट इज डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो ठीक है फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन सेडिमेंटेशन कॉक्युलेशन फॉक्यूलेशन ये सारे क्या है हमारे वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं ठीक है क्लियर है हमें पता है लेकिन इसने क्या पूछा है इसने पूछा है कि द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस अब करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ऑफ दिस प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर ये पाँचों के पाँचों प्रोसेस हमारे वाटर ट्रीटमेंट में हो रहे हैं तब इनका सिक्वेंस क्या होगा ठीक है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे वाटर के जितने भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस हो वो सारे के सारे हर वाटर ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किए जाएं क्योंकि हमारे रॉ वाटर को पहले हम चेक चेक करते हैं उसको देखते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट इसमें अप्लाई करना चाहिए तब उस पर अप्लाई करते हैं ठीक है दैट मीन्स कि इसके कहने का मतलब है कि अगर ये पाँचों प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे वाटर ट्रीटमेंट में तब इनका जो सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा वो क्या होगा ठीक है तो हम लोग क्या कर लेंगे हम लोग देख लेंगे कि अगर हमारे जितने भी प्रोसेस है जो भी हमारे मेन प्रोसेसेस हैं अगर वो सारे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो रहे हैं तो उनका क्या सिक्वेंस जनरली क्या सिक्वेंस हमारा होना चाहिए ठीक है बाकी नीड पे हमारा आगे पीछे भी हो सकते हैं प्रोसेसेस लेकिन हमारा जो जनरली होगा यानी जनरल वे में अगर हम देखें तो उनके प्रोसेस का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा तो वो हम अभी देख लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा स्क्रीनिंग ठीक है स्क्रीनिंग के बाद हमारा आएगा एरेशन रेशन के बाद हमारा क्या आएगा ओग्यूलेशन फॉक्यूलेशन के बाद हमारा क्या आएगा फॉक्यूलेशन फॉक्यूलेशन के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन के बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट फिल्ट्रेशन नेक्स्ट हमारा आएगा डिसइंफेक्शन नेक्स्ट हमारा आएगा सॉफ्टेनिंग ठीक है तो अगर हमारे ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो जनरली इनका सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले होगी हमारी स्क्रीनिंग दूसरा होगा एरेशन तीसरा होगा कॉग्युलेशन देन फॉक्यूलेशन देन सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन देन डिसइंफेक्शन देन सॉफ्टनिंग ठीक है सॉफ्टेनिंग के बाद डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा ये वाटर सप्लाई क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर मे बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ठीक है तो रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज हम देख लेते हैं क्योंकि इनके जो होते हैं वो सारे कॉमन ही होते हैं ठीक है प्रोसेस तो रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज देख लेते हैं हमारा कैसे कैसे हो सकता है रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैंगनी मैगनीस कैसे होगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा सबसे पहला आएगा हमारा कैन बी रिमूव बाई सिंपल एरेशन फॉलोड बाई कॉग्युलेन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन यानी कि हमारा सबसे पहले क्या होगा ए रेशन फॉलोड बाय क्या होगा कोगुलेशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन ठीक है ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होगा हमारा लाइम प्लस यानी कि हम लाइम ऐड करेंगे फिर क्या करवाएंगे उसका ए ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन यानी लाइम ऐड करवाने के बाद हम उसको बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे फिर थर्ड मेथड क्या होगा थर्ड मेथड है हमारा एडिंग ऑफ क्लोरीन देन ए ठीक है क्लोरीन ऐड करने के बाद अगेन ये भी प्रोसेसर हमारा सेम है यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा फिर फोर्थ देख लेते हैं के एम एन ओ फोर प्लस ए सिमिलर टू एब टू अगेन यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं हम के एम एन ओ फोर एड करने के बाद फिर फिफ्थ और लास्ट है हमारा जियोलाइट मेथड ठीक है जियोलाइट मेथड और किस लिए यूज़ करते थे पीछे आपने पढ़ा था ना किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम रिमूवल ऑफ क्लोरीन के लिए ठीक है यानी बोथ ए एन सी इसका आंसर क्या होगा बोथ ए एन सी क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन विथ क्लोरीन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम पर मैगनेट यहाँ पर ये देखो आपका ये क्या है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट क्लियर हो गया समझ में आ गया अब क्या है रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर मे बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन से भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैगनेट से भी हो जाएगा दैट मीन्स कि ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन क्यों क्योंकि इसमें लिखा है पोथ बाई एंड सी क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर एक्टिवेटेड कार्बन इज़ यूज फॉर रिमूविंग ऑर्डर्स ये आपको ध्यान रखना है अब कैसे तो एक्टिवेटेड कार्बन रिमूवस अनवॉन्टेड ऑर्डर्स बाई एक्टिंग एज एन एब्जॉर्बेंट विच ट्रैप्स ऑर्डर इन साइड द एक्टिवेटेड कार्बन एंड रिटेन इट ठीक है अब एक्चुअली में क्या करता है एक्टिवेटेड कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन जब भी हम वाटर में एड होता है तो वो क्या करता है जो भी इम्प्योरिटीज़ होता है वो खुद में स्टिक कर लेता है ठीक है खुद पे वो स्टिक कर लेता है जुती भी अगर डिज़ोल्व हमारी जो भी इनप्योरिटी से वो डिज़ोल्व भी है तो भी हमारा ये स्टिक कर लेता है दैट मीन्स कि जिसकी भी वजह से ऑर्डर आ रहा होगा वो सारे पार्ट डिज़ोल्व जो होंगे पार्टिकल्स वो क्या होंगे वो एक्टिवेटेड कार्बन पर स्टिक हो जाएंगे फिर हम इसको रिमूव कर देंगे और जो वाटर बचेगा वो हमारा क्लीन और फ्रेश वाटर होगा क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द स्पाइगॉट एंड शॉकेट जॉइंट इज़ चीफली यूज फॉर ठीक है तो हमारा जो स्पाइगॉट और शॉकेट जॉइंट है ये किसके लिए यूज़ होता है तो ये हमारा यूज़ होता है कास्ट आयरन पाइप्स के लिए ठीक है तो इसको देख लेते हैं एक बार कि स्पाइगॉट और शॉकेट जॉइंट कैसे दिखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये सेक्शन हमारा कौन सा है ये हमारा स्पाइगॉट है और ये वाला सेक्शन जो है हमारा ये हमारा शॉकेट है ठीक है अब यहाँ पे आप इस एंगल से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जनरली आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मतलब कि कास्ट आयरन के पाइप्स दिख जाएंगे जैसे में आपको ये सेक्शन ईजली देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इन स्पाइग एंड शॉकेट ज्वाइंट द स्पाइगॉट एंड ऑफ वन पाइप ज्वाइन टू द सॉकेट एंड ऑफ द ज्वाइंट ठीक है ये दोनों अब ज्वाइन हो जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे उसका ऐसे सेक्शन दिया हुआ है जिस हिसाब से वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे ठीक है अब इनका एडवांटेज क्या होता है मतलब ये जॉइंट ऐसे क्यों होते हैं तो एडवांटेज ऑफ दिस जॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी विच मेक्स इट यूजेबल फॉर पाइप बरिड इन द अर्थ जनरली आप देखोगे कि जो पाइप सेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे बरिड होते हैं यानी कि हमारे रोड्स पे रोड्स के अंडर में होते हैं या फिर जो हाउसेस के नीचे से जाते हैं पाइपलाइंस ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है बरेड इन अर्थ वेयर देयर आर चेंज ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ अर्थ यानी कि ठीक है अब यहाँ पे है यहाँ पे हमने पाइप्स ले कर दी ठीक है यहाँ पे पाइप्स ले कर दी अब ये रोड है तो रोड पे क्या होगा कि व्हीकल्स चलेंगे व्हीकल्स की वजह से यहाँ पे लोड होगा तो कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा तो क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल लोड्स होंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा तो ये इस चीज़ को क्या करते हैं ये इसके लिए भी फ्लेक्सिबल होते हैं यानी ये पाइप को ब्रेक होने से बचाते हैं क्लियर हो गया समझ में आ गया चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इज नोन रिफ्लक्स वॉल्व को क्या क्या कहते हैं हम रिफ्लक्स वॉल्व जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व और चेक वॉल्व ठीक है अब ये प्रोवाइड कहाँ किया जाता है इट इज़ प्रोवाइडेड अब कहाँ पे जैसे कि मान लो ये हमारा पंप है ठीक है इस पंप से ये पाइप हमारी डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे रिफ्लक्स वॉल्व ठीक है यहाँ पे हम रिफ्लक्स वॉल्व करेंगे कहाँ पे जो पाइप हमारी डायरेक्ट जुड़ी होती है पंप से ठीक है वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं हमारा चेक वॉल्व या फिर नॉन रिटर्न फिर रिफ्लक्स वॉल्व आप कुछ भी बोल सकते हो उसको क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Self -cleansing velocity. Self -cleansing velocity क्या होती होती है है ये एक यानी को और क्या बोलेंगे मिनिमम फ्लो वेलोसिटी ठीक है मिनिमम फ्लो जिस पे ना तो सिल्टिंग होगी ना सेटलिंग होगी सॉरी ठीक है ना तो हमारी सिल्टिंग होगी ना हमारी सेटलिंग होगी क्लियर हो गया यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी पे क्या करेंगे न तो नीचे आएंगे न कम्प्लीटली सेटल होंगे और ना ही हमारा सिल्टिंग होगा क्लियर हो गया समझ में आ गया अब ये क्या है ये पाइप के इनसाइड की बात है तो चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है हमारा तो द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो नहीं ये तो नहीं है फिर द मैक्सम विलॉसिटी ऑफ द फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो नहीं सच वेलोसिटी एज वुड बी सफिशियंट टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिटेड सॉलिड इन द सीवर हाँ ये हो सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे सेटलिंग भी अलाउड नहीं है और सिल्टिंग भी अलाउड नहीं है तो क्या होगा कि ये इतनी धीमे वेलोसिटी होगी या फिर ऐसी वेलोसिटी होगी जो हमारे किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को सीवर में सेटल होने नहीं देगी क्यों क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा अगर यहाँ पे पार्टिकल पाइप्स में सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो ये हमारी क्या होगी ये हमारी पाइप की जो एफिशिएंसी होगी उसको क्या करेगा रिड्यूस कर देगा दैट मीन्स कि ये सही बात है फिर आगे भी देख लेते हैं सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशिएंट टू एंश्योर दैट सीवेज डज नॉट रिमेन्स इन सीवर ठीक है ये भी एक काइंड kind ऑफ of, uh, सही है लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ठीक है तो फिर कौन सा होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू आई एस वन सेवन फोर टू नाइनटीन नाइन्टी द मिनिमम इंटरनल साइज ऑफ द रेक्टेंगुलर मैन होल्स ऑफ डेप्थ जीरो पॉइंट एट और लेस एस अब यहां पे हम देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ मैन होल्स और दूसरे कॉलम में क्या होगा मिनिमम साइज तो डेप्थ क्या है 0.8 मीटर और लेस तो हमारी डेप्थ कितनी होगी 0.75 मीटर इंटू जीरो मीटर क्लियर हो गया ये हमारा पहला हो गया दूसरा कंडीशन देख लेते हैं 0.8 मीटर टू 2.1 मीटर तक होगी तब हमारा क्या होगा मिनिमम साइज 1.2 मीटर इंटू जीरो मीटर क्लियर हो गया तीसरा देख लेते हैं कि मोर देन अगर हमारा 2.1 मीटर होगा तो फिर क्या होगा हमारा मिनिमम साइज 1.2 मीटर इंटू जीरो मीटर यानी कि आपको इन दोनों का तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों का तो सेम है आप किसी एक का भी याद रखोगे तो दूसरे का याद रहेगा सिर्फ फर्स्ट वाले का यानी 0.8 मीटर और लेस जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा है उसकी मिनिमम साइज़ हमारी कितनी होगी 0.75 मीटर इंटू जीरो मीटर दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्लियर हो गया चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे जो एनवायरनमेंट का पार्ट टू होगा और हमारा सेशन फोर होगा तब तक के लिए ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहना थैंक यू